हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम एक क्वेश्चन में किस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे या ऐड पहले करेंगे या डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसके लिए हम देखते हैं एक रूल। इसके लिए रूल है बॉडमास। बॉडमास का रूल होता है जो इसमें बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction होता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देन हम ऑफ दिया है अगर तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, अगर ऑफ नहीं है तो हम सीधे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर एक स्टेप बीच का नहीं है तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। लेकिन हम अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही दिए हुए हैं तो हम डिवाइड पहले ना करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है आंसर। सो हम इस रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हमारे पास कितने टाइप से होते हैं? ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास सबसे पहले बार ब्रैकेट्स। ये होते हैं बार ब्रैकेट्स, हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। देन होते हैं हमारे पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं, इसके बाद हम बार ब्रैकेट के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। देन हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट्स, देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स एंड लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब इस रूल्स के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही सॉल्व होंगे। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/5 ऑफ 6+4। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सॉरी यहाँ पर 4+6 है, पहले 4 है देन 6। ओके, तो इसके हिसाब से हमें पहले सॉल्व करने हैं ब्रैकेट देन ऑफ। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/5 ऑफ 4+6 होता है 10। तो यहाँ पर 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10। सो 10 वन जा 10/5 एंड 5 2 10, सो आंसर इज 2। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन। -13+6 डिवाइडेड बाय 7-4। हमें ये अब देखना है कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हम ये नहीं देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हमें करना क्या है, हम सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ऐड है तो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, इसे हम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 7-4, आंसर इज 3। -13+6 डिवाइडेड बाय 3। अब बॉड मास के रूल के अनुसार पहले हमने ब्रैकेट किया, देन ओ फॉर ऑफ, ऑफ हमारे पास नहीं है तो हम करेंगे अब बी ओ डी, डी फॉर डिवाइड। अब हम 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, -13+6 डिवाइडेड बाय 3। सो -13+3 2 6, आंसर इज 2 इक्वल। अब हमारे पास केवल सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है तो -13+2 आंसर इज -11। ओके, तो -11 इज द आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 20-5 × 3। तो यहां पर हमें ऑब्वियसली पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 20-5 × 3 = 15। अब 20-15 होता है कितना? 5। सो आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 4। 15-2 ऑफ 2+4। यहां पर अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 ऑफ 2 है तो हम 15-2 × 2 करेंगे प्लस 4। 15-2 × 4+4, ये हुआ हमारा ब्रैकेट के बाहर आया 4+4। अब
के बाद हमारे पास है एडिशन, हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ऑफ सॉल्व किया, बीओ डिवाइड हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, देन अब हम करेंगे एडिशन, तो हम माइनस फोर एंड प्लस फोर को ऐड करते हैं, तो ये होगा सब्ट्रैक्ट, सो आंसर इज 15 माइनस जीरो, आंसर इज 15, 15 इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 16 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5, तो यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 5 1, 16 को हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 16, सो आंसर इज 16। क्वेश्चन नंबर 6 इज माइनस 20 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 4 सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, तो हम सीधे ऑफ में जाते हैं, ऑफ के लिए यहाँ पर ऑफ वर्ड दिया हुआ नहीं है, बी ओ डी, डी फॉर डिवाइड, तो हम करते हैं डिवाइड, माइनस 20 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7, ओके, माइनस 20 इंटू माइनस 2 प्लस, हम अगर 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है माइनस 2, सो माइनस 20, इसके बाद हम डिवाइड हमने कर लिया, बी ओ डी, एम फॉर हमें करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस 20 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 20 टू जा 40, प्लस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 2, अब इसके बाद हमें ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 40 माइनस 2 38 इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 15 प्लस माइनस 3 ऑफ माइनस 4 माइनस 6, ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, हमें है हमारे पास है पहला ऑफ, तो हम 15 प्लस माइनस माइनस 3 ऑफ, तो यहाँ पर हम माइनस 3 नहीं कर सकते क्योंकि हम माइनस 3 ऑफ माइनस 4 करना है, इट मीन्स हमें माइनस 3 इंटू माइनस 4 करना है डिवाइड माइनस 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 माइनस 3 एंड माइनस 4, यहाँ पर प्लस साइन है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 माइनस 6, इसके बाद हमें मल्टीप्लाई हमें ऑफ करना था, हमने ऑफ किया, ऑफ के बाद हमें करना है डिवाइड, डिवाइड नहीं है हमारे पास, एम, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी नहीं है, हमें करना है ऐड, तो हम 15 प्लस 12 करते हैं तो आंसर आता है 27 माइनस 6, सो आंसर इज 21, आंसर 21, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई 3x माइनस 4x प्लस अंडर ब्रैकेट x प्लस अंडर ब्रैकेट 5x माइनस 3x, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट है 3x माइनस 4x प्लस x प्लस 5x माइनस 3x, तो यहां पर हमारे पास थ्री टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं, सिंपल पैरेंटेसिस ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है एंड स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम पहले शॉर्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 4x प्लस, इन सभी को हमें एज इट इज लिखना होगा, प्लस 5x माइनस 3x, आंसर इज 2x, अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट ही बचा अंदर, इक्वल 3x माइनस 4x प्लस, अब हम x प्लस 2x करेंगे, आंसर आएगा 3x, तो हमारे पास ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया, 3x माइनस 4x प्लस 3x 7x, ये ब्रैकेट भी हमारा ओपन हो गया, देन 3x माइनस 7x माइनस 4x, सो आंसर इज माइनस 4x, ओके। नेक्स्ट है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 से हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, तो हम इन सभी को एज इट इज लिखेंगे, 2 माइनस 2 माइनस
टू माइनस, हम पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, टू माइनस टू होगा यहाँ पर जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस जीरो, आंसर इज टू, हमारे पास ये बचा आप कर्ली ब्रैकेट, टू माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, टू माइनस टू जीरो, हमारे पास अब बचा स्क्वायर ब्रैकेट, टू माइनस जीरो आंसर इज टू, टू माइनस टू आंसर इज जीरो, सो जीरो इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन क्वेश्चन नंबर थ्री 36 डिवाइडेड बाय 8 माइनस, यहाँ पर 8 ब्रैकेट में है, माइनस 4 माइनस 2 4 प्लस 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 36 डिवाइडेड बाय, हम पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 4 प्लस 2 6, हमारे पास बार ब्रैकेट अब हट गया, 36 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 आंसर इज 2, सो 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जब 2, 2 8 जब 16, आंसर इज 16। क्वेश्चन नंबर 4, 19 माइनस 6 19 प्लस कर्ली ब्रैकेट अंडर 15 15 प्लस 8 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो यहां पर अब हमें 19 माइनस 6, हमारे पास सबसे सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ 9 माइनस 6 पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, हम इसे सॉल्व करेंगे, 19 माइनस 6 होगा 13, देन 19 प्लस हम इन्हें एज इट इज रखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, 15 प्लस 8 माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 13, यहाँ पर अब बीच में हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर होगा इंटू 19 प्लस, अब यहाँ हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 8 हुआ 23, 23 माइनस 3 20, सो यहाँ पर आंसर आएगा 20, 13 19 प्लस 20 39 इक्वल 13 इंटू 39, 13 इंटू 39 होगा 9 3 जा, हम इसे सॉल्व करते हैं, 13 इंटू 39 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9 10 11 3 3 जा 9 3 1 जा 3 7 0 5 3 4 5, सो आंसर इज 507, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3a स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ हम 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर एज इट इज रखेंगे इनको, माइनस अब यहाँ पर हमारे पास 2a प्लस 2a स्क्वायर है, हम 2a एंड 2a स्क्वायर को प्लस नहीं कर सकते, बिकॉज 2a के साथ 2a प्लस होगा और 2a स्क्वायर के साथ 2a स्क्वायर ही प्लस होता है, a के साथ a स्क्वायर वाले नंबर प्लस नहीं हो सकते, तो हम यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर, ओके, तो हमारा एक ब्रैकेट अब हट चुका है, इक्वल 3a स्क्वायर प्लस, अब हम देखते हैं 5a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट साइन है, तो हम 5a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को माइनस करते हैं, आंसर आता है 3a स्क्वायर माइनस 2a, ओके 3a स्क्वायर प्लस, अब 3a स्क्वायर माइनस 2a, अब इन्हें भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम प्लस साइन से मल्टीप्लाई करके इन्हें बाहर निकालते हैं, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a, अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर वाले दोनों नंबर प्लस हो सकते हैं, 3 प्लस 3 6 a स्क्वायर माइनस 2a, सो आंसर इज 6 a स्क्वायर माइनस 2a। नंबर 6, 5 3 बाय 4 प्लस सॉरी डिवाइड है यहाँ पर 4 3 बाय 5 प्लस 2 1 बाय 2, अब इन्हें हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, तो यहाँ 5 4 जा 20 20 प्लस 3 23 बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 5 जा 20 4 5 जा 20 प्लस 3 23 बाय 5 डिवाइड प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 बाय 2, अब बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट देन ऑफ देन डिवाइड, तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है तो हम इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शंस में डिवाइड करने का रूल है कि 23 बाई 4
इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा और इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 5/23 प्लस 5/2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर 23 एंड 23 हम कट कर देंगे, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, सिंगल वन टाइम्स इक्वल 5/4 प्लस 5/2। हमारे पास अब बचा 5/4 प्लस 5/2, तो हम 5/4 प्लस 5/2 को प्लस करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4, 4 1 जा 4, 1 5 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 plus 10 15/4, सो आंसर इज 15/4। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 4a plus 2a minus 3b plus 3a minus 2b, इन्हें अब हम सॉल्व करते हैं। 4a plus 2a minus 3b प्लस, हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3a minus 2b, ये सॉल्व हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग इतने वेरिएबल्स हैं तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम ब्रैकेट से इन्हें बाहर ले आएंगे। प्लस 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 3a प्लस माइनस माइनस 2b, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया है, इक्वल 4a plus 2a अंडर ब्रैकेट 3b माइनस 2b हम कर सकते हैं, तो 3b में सामने माइनस के 2b, आंसर बचेगा हमारे पास b प्लस 3a इक्वल 4a plus 2a, 2a से अब हमें करना है यहाँ पर माइनस b माइनस 3a को। अब यहाँ पर फिर हमारे पास b और a है, तो हम साइन से मल्टीप्लाई करके इन्हें बाहर ले आएंगे, माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस 3a, 4a प्लस, अब हमारे पास 2a माइनस 3a है, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर होगा माइनस बी माइनस ए, 2a माइनस 3a, तो 3a इज ग्रेटर देन 2a, आंसर इज माइनस ए। 4a प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए, अब 4a में से हम a माइनस करेंगे, आंसर इज 3a माइनस बी, सो 3a माइनस बी इज अ आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 3 राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट हमें 18 minus 3 into 5 equal 75, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, देन हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। एटीन माइनस थ्री इंटू फाइव इक्वल 75, तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो 18 माइनस 5 3 जा 15 इक्वल 75, तो 18 माइनस 15 आंसर इज 3 इक्वल 75, सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड, 5 into 4 plus 2, तो यहाँ पर हमें पहले करना होगा मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 plus 2 equal 22, तो 20 plus 2 22 equal 22, सो दिस इज ट्रू, 22 equal 22, तो यहाँ पर होगा ट्रू। नंबर 3, 4 minus 2 minus 2 equal 0, तो यहाँ पर हम पहले -2 and -2 को ऐड कर देते हैं, 4 minus 4 equal 0, तो 4 minus 4 ऑलरेडी होता है 0 equal 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सो दिस इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन इज 18 divided by 1/6 divided by 3 equal 1, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास 1/6 फ्रैक्शन में है, तो हम 18 divided by, इस डिवाइड को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और 1/6 को हम कर लेते हैं 6/1 divided by 3 equal 1, फ्रैक्शंस में जब डिवाइड होते हैं तो हमें उन्हें रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लाना होता है, तो यहाँ हमने किया 18 into 6, तो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 1 जा 6 plus 4 10, 108 divided by 3 equal 1, अब हमारे पास नंबर है 108 को हमने डिवाइड करना है 3 से, तो हम इसे करते हैं 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 इक्वल 1, सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल
राइट हैंड साइड, सो दिस इज फॉल्स, यहां पर ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपल करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट 347 इंटू 101, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम 347 को एज इट इज रखेंगे इंटू हम 101 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्ट्स में 100 प्लस 1। यहाँ हमें किसी एक नंबर को ऐसे डिवाइड करना होता है कि वो सिंपल बन जाए। यहाँ पर 100 प्लस 1, हम 100 से और 1 से इजिली किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन हम 347 इंटू 100 एंड प्लस 347 इंटू 1 करेंगे, तो 347 इंटू 100 होगा 347 100 प्लस 347 बनता 347। अब हम इन्हें प्लस कर सकते हैं, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 3, 35,047 ये होगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 429 into 98। अब हमारे पास नंबर नियरेस्ट है 100 के 98, तो हम 100 से नियरेस्ट है, यहाँ हमने प्लस किया है, तो यहाँ हम माइनस करके निकाल सकते हैं 429 into 100 माइनस 2। यहाँ हम 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2, तो यहाँ 429 into 100 माइनस 429 into 2 लिखेंगे इक्वल 429 100। यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 429 100 माइनस, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 858। अब हम 42,900 में से माइनस करते हैं 858, तो यहाँ 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 4, 18 माइनस 8 ही हम यहाँ लेंगे क्योंकि 8 में से 8 हम डिवाइड कर सकते हैं, 8 माइनस 8 0 42, सो आंसर इज 42042, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 5.8 into 1.5। अब हमें यहाँ पर 1.5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम यहाँ करते हैं 5.8 into, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 होता है 1.5, तो इसके बाद हम 5.8 into 1 करेंगे, देन प्लस, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा 5.8 into 0.5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर एज इट इज 5.8 ही आएगा। एंड 5.8 का हम मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं, तो हम ये करके देखते हैं 5.8 into 0.5, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 5 जा 25 प्लस 4 29 एंड 0 0 0 9 2, 1 2 2 के बाद हम लगाया पॉइंट, सो आंसर इज 2.9। अब 5.8 में हम 2.9 को प्लस करते हैं, सो आंसर इज 8 प्लस 9 17 7 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, आंसर इज 8 प्लस 7, ईजी है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। 48 into 0.9। अब 0.9 1 से नियरेस्ट है या नहीं? है, बिल्कुल है। 0.9 में हम 0.1 प्लस करेंगे तो आएगा 1, तो हम यहाँ पर 1 माइनस 0.1 करते हैं, 48 into 1 माइनस 0.1, यहाँ पर हम होल नंबर 1 में से माइनस करते हैं 0.1, तो हमारा आता है 0.9, करके हम देख सकते हैं 48 into 1 हम करते हैं माइनस 48 into 0.1 करते हैं, तो यहाँ 48 1 जा 48 माइनस 48 1 जा ही करना है हमें, तो हमने किया 48 एंड हमें लगाना है पॉइंट 1 डिजिट के बाद, तो हम लगाया पॉइंट यहाँ 4.8, तो यहाँ 48 में से 4.8 माइनस कर सकते हैं, 8 में से हमने माइनस कर दिया ओनली 4, तो हमारे पास बचा 44.8। हम इसे करके देख लेते हैं, 48.00 हमारा आंसर कुछ शायद अलग आएगा, 4.8 हमने यहाँ 10 में से 8 माइनस किया, आंसर इज 2, 7 माइनस 4 3,
43.2, सॉरी यहाँ पर 43.2 आएगा। सो हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, हमें एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए। 43.2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंकित हैज रुपीज 50, ही गेव 7/10 ऑफ इट टू विनीता फॉर द फॉर हर रिक्वायरमेंट्स। हाउ मच मनी डिड ही गिव टू विनीता? सो 50 रुपीज में से अंकित ने 7/10 पार्ट दिया विनीता को, तो उसने उसे कितने रुपए दिए? आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अंकित हैज 50 रुपीज, ही गेव टू विनीता इक्वल 7/10 पार्ट। सो उसने विनीता को 7/10 पार्ट दिया है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 50 से। 50 ही गेव रुपीज, उसने कितने रुपीज दिए? 50 × 7/10। हम 50 × 7/10 करेंगे, यहाँ पर हम कट करते हैं, 10 × 1 and 10 × 5 = 5, 7 = 35 रुपीज। सो अंकित गेव टू विनीता 35 रुपीज, अंकित ने विनीता को 35 रुपीज दिए। क्वेश्चन नंबर 6, इजी है ये। इन क्वेश्चन नंबर 6, मयंक विथ ₹20 एंड पंकज विथ ₹30 विजिटेड ए फेयर। मयंक एंड पंकज घूमने गए हैं, तो मयंक के पास 20 एंड पंकज के पास 30 रुपीज़ है। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्पेंड 2/5 पार्ट ऑफ देयर टोटल मनी। उन दोनों ने अपने टोटल मनी का 2/5 पार्ट स्पेंड कर दिया। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम फेयर दे स्पेंड ₹10 मोर फॉर एग्जीबिशन। उन्होंने 10 रुपीज़ और दिए एग्जीबिशन के लिए। हाउ मच अमाउंट डिड दे स्पेंड इन फेयर? तो उन्होंने कितने रुपीस खर्च किए? तो हम देखते हैं, मयंक विथ 20 रुपीस एंड पंकज विथ 30 रुपीस। अब मयंक के पास 20 एंड पंकज के पास 30 रुपीस है टोटल मनी। They have 20 + 30 = 50 रुपीज। अब उन्होंने स्पेंड कितना किया? 2/5 पार्ट स्पेंड टोटल इक्वल 2/5 पार्ट। सो हम इसे निकालेंगे 50 × 2/5, तो यहाँ पर 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50, 10 × 2 = 20। 20 रुपीज उन्होंने टोटल स्पेंड किए। देन इसके बाद उन्होंने 10 रुपीज और स्पेंड किए, किस लिए? एग्जीबिशन के लिए। मोर स्पेंड फॉर एग्जीबिशन इक्वल 10 रुपीज। सो टोटल स्पेंड इक्वल 20 + 10, टोटल उन्होंने 30 रुपीज स्पेंड किए, खर्च किए। उन्होंने कितने टोटल? 30 रुपीज। उन्होंने टोटल 30 रुपीज खर्च किए। हाउ मच अमाउंट डिड दे स्पेंड इन फेयर? 30 रुपीज दे स्पेंड टोटल। क्वेश्चन नंबर 7। पूजा गॉट ₹60 फ्रॉम हर फादर, ₹40 फ्रॉम हर मदर एंड ₹20 फ्रॉम हर ब्रदर। शी परचेस्ड ए पेन फॉर ₹15। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग अमाउंट इक्वली अमॉन्ग हर 5 फ्रेंड्स। हाउ मच मनी डिड ईच ऑफ हर फ्रेंड गेट? सो पूजा को टोटल कितने रुपीज मिले, पहले हम ये देखते हैं। पूजा गॉट क्वेश्चन नंबर 7। पूजा गॉट 60 + 40 + 20 = 120 रुपीज। उसे मिले कितने? 120 रुपीज। उसने पेन परचेस किया कितने का? 15 रुपीज का। शी परचेस पेन इक्वल 15 रुपीज। सो रिमेनिंग अमाउंट इक्वल 120 - 15, सो रिमेनिंग है उसके पास 105 रुपीज।
अब उसने डिस्ट्रीब्यूट किया इतने अमाउंट को अपने 5 फ्रेंड्स में. शी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस अमाउंट इन 5 फ्रेंड्स इक्वली. सो उसने अपने 5 फ्रेंड्स में इक्वली इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 105 डिवाइडेड बाय 5. तो यहां पर आंसर होगा 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5, सो 21 रुपीस इच फ्रेंड को मिलेगा. इच फ्रेंड गेट 21 रुपीस. सो आंसर इज इच फ्रेंड गेट 21 रुपीस. ओके सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 5.3. इसके साथ हमारे चैप्टर 5 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.